नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैंने आज कल रात को ही ऑर्डर किया था 12 बजे करीब। प्राइम डे चालू हो गया, अमेजन का सेल चालू है अमेजन के लिए, अमेजन पर। तो मैंने ऑर्डर किया है प्राइम मेम्बरशिप ले रखी है अमेजन से। तो एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है जिसका नाम है IQ Z9 Lite 5G स्मार्टफोन है, जो 6/128 GB में ऑर्डर किया है मैंने अमेजन से। और ये मेरे को आज ही सेम डे डिलीवरी हो चुका है, आज शाम को डिलीवर हो चुका है मेरे पास। दूसरे दिन मतलब 12 बजे के बाद वही दिन हो जाता है, तो आज ही सेम डे के दिन डिलीवर हो चुका है मेरे को। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पैकिंग अच्छी आई है अमेजन की तरफ से, तो दिखाते हैं अनबॉक्सिंग हम इसकी और देखते हैं इसमें क्या मिलता है साथ में। और दोस्तों कट कर दिया है, इसको निकाल लिया बाहर, इसको साइड में रखते हैं। और ये अमेजन प्राइम का स्टिकर लग के आया, बॉक्स एकदम पैक है, दिक्कत नहीं है। इसको भी ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ कैसा पैकेट आने वाला है। तो ये देखो दोस्तों, इसको रखते हैं साइड में। और अभी इसमें कुछ ये बिल आया इसका मेरा, तो मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरे को पड़ा है 11,000 रुपये का, 10,999 रुपये का। वैसे इसकी प्राइस 11,499, 500 रुपये का मेरे को कार्ड डिस्काउंट मिल गया अमेजन प्राइम से। तो इसको दिखाता हूँ एक बार, मैं आप देख सकते हो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है IQ Z9 Lite 5G स्मार्टफोन। और ये 6GB 128GB वेरियंट में किया है मैंने ऑर्डर, ब्राउन कलर में किया है, आप देख सकते हो बॉक्स। और बॉक्स की पैकिंग एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से आई है, बेहतरीन तरीके से। इधर भी स्टिकर लगा हुआ है, कहीं कोई तरह का मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पैकिंग को खुला है या फिर कुछ सही तरह से पैक नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पैक है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। और दिखाते हैं आपको साथ में इसमें क्या मिलता है। देख सकते हो दोस्तों, ब्लैक कलर का इसका बॉक्स है कुछ, और ये IQ Z भी बना हुआ है, इस पर IQ लिखा हुआ है। और अभी इसमें स्टिकर लगे हुए हैं साइड में, स्टिकर को भी कट करता हूँ मैं। और ये बॉक्स ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसमें ये है स्मार्टफोन सबसे पहले, इसको तो साइड में रखता हूँ अभी मैं। सबसे पहले इसमें क्या मिलता है और साथ में इसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये कुछ स्टिकर है IMEI नंबर के, उनको भी साइड में रखते हैं। और सबसे ऊपर मिलता है इसमें आपको इसका केस कवर, जो कि कुछ ऐसा है, अंदर थोड़ा दाने दाने से बने हुए हैं इसमें, बाकी इसमें साइड में बिल्कुल प्रॉपर दिया गया है कवर, कहीं से भी कुछ डैमेज नहीं आएगा फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये इसका कैमरा मॉड्यूल बनाया गया है, यहाँ पर इसका पावर बटन दिया गया है साइड में, ये इसका फिंगर बटन है, तो इसलिए इसका बटन कुछ ऐसा दिया गया है कट करके। बाकी आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है इसकी मेरे को, ठीक है। और काफ़ी कम प्राइस में तो आना जो कवर आता है तो वो भी अच्छी बात है, इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं इसमें। और ये इसका चार्जर मिलता है एडेप्टर, जो कि आपको बता दूं मैं 50 वाट का एडेप्टर है, सॉरी 15 वाट का एडेप्टर है। आप देख सकते हैं ऐसा है, फास्ट एडेप्टर बताया गया है, लेकिन इतना फास्ट तो करेगा नहीं, 15 वाट का तो बहुत ही कम, लेकिन इस प्राइस पर मिल रहा है वो भी अच्छी बात है। काफ़ी सारे तो ब्रांड देते ही नहीं है, तो ये IQ अच्छा काम कर रहा है कि इस प्राइस पे भी आपको एडेप्टर देखने को मिलता है साथ में वीवो का, वीवो ब्रांड लिखा हुआ है। और ये इसकी डाटा केबल है जो आप देख सकते हो, Type A to Type C डाटा केबल देखने को मिलती है। और इस हाँ डाटा केबल स्ट्रांग है, अच्छी है, काफ़ी लंबी भी है डाटा केबल, तो ये अच्छी क्वालिटी इसकी डाटा केबल की। उसके साथ ही इसमें आपको एक सिम ट्रे टू देखने को मिलेगा, सिम किट का निकालने के लिए, बाकी इसमें कुछ ही नहीं है बॉक्स में। तो इसको रखते हैं साइड में, अभी मैं फ़ोन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों फ़ोन को निकालते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको क्या फीलिंग आती है इसकी। ये देखो, तो पूरा मैट फिनिश डिज़ाइन की बात करते हैं हम,
पूरा मैट फिनिश दिया गया है बैक साइड में, और काफ़ी अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है। हाँ, इसकी बात करते हैं, ये देखने में ऐसा लगता है कि ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ये एकदम फ्लैट है। ये जो डिजाइन बना हुआ है कैमरे का साइड में, एकदम बिल्कुल इसके बैक के पैनल के बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन इसमें कुछ अलग से कलर चमक अलग दे दी गई है। बाकी ये मैट है और ये ब्राउन कलर में, काफ़ी अच्छा कलर देखने को मिल रहा है ब्राउन कलर। मैंने पहला फ़ोन ब्राउन कलर में बाय किया है, बाकी मैंने ब्लैक वाइट काफ़ी फ़ोन बाय किए हैं। हाँ, इसके कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो इसमें कैमरे थोड़े थोड़े उठे हुए हैं, आप देख सकते हो कैमरे हल्के से उठे हुए हैं ऊपर, और ये नीचे की साइड में गोल्डन का रिंग बना हुआ है गोल्डन कलर का। बाकी ऊपर इसका कैमरा लेंस लगा हुआ है, और साइड में फ्लैश भी दिया गया है, ये आईक्यू की ब्रांडिंग है। और आपको इसमें साइड में दिखा देते हैं, वॉल्यूम डाउन अप का बटन दिया गया है साइड में ही, यही फिंगरप्रिंट का काम करेगा और यही पावर बटन है। बाकी इसकी एकदम फ्लैटेड साइड में से, और कॉर्नर पे से कर्व शेप में दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा फील देखने का। लेकिन इसमें क्या है, साइज़ इसकी अच्छी है, इसलिए काफ़ी अच्छा फील है इसमें। इसकी साइज़ की बात करें दोस्तों, तो इसकी साइज़ आपको देखने को मिलेगी 5.6 इंच की साइज है इसकी डिस्प्ले साइज, तो काफ़ी अच्छी साइज में है। और अभी इसके नीचे की बात करें तो इसमें 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, आजकल देखने को नहीं मिलता है ये। इससे आप गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एयरफोन लगा सकते हो आप, आराम से गेमिंग कर सकते हो। इसी के साथ में इसमें दिया गया है टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट, और ये माइक दिया गया है साइड में। इसमें लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दिया गया है, और जो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ अभी, इसमें आपको डुअल सिम देखने को मिलता है, ये मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको खोल के दिखा देता हूँ साथ, कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसमें आप डुअल सिम लगा सकते हो या फिर सिंगल सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बाद में सिम लगाऊंगा मैं दोस्तों, और ये 5G है सेट है, दोनों 5G वर्क करेगा दोनों सिम। और ये ऊपर की तरफ स्पीकर दिया गया है, तो इसको बूट करते हैं एक बार। तो दोस्तों ये बूट हो चुका है, IQ 5G लिखा आ गया है, पावर बाय एंड्रॉयड। तो दोस्तों इसके डिस्प्ले है जो LCD डिस्प्ले है, और ये 90 रेफ्रेश रेट के साथ दिया गया है, 90Hz रेफ्रेश रेट पर वर्क करता है। HD+ डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है दोस्तों, तो HD डिस्प्ले है, HD+ LCD, लेकिन इस प्राइस पे काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। और साथ ही इसमें आपको FM का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, FM रेडियो का, आजकल FM रेडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है ज़्यादातर फ़ोनों में। अगर बैटरी की बात करें दोस्तों, इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 15W के फास्ट चार्जर के साथ। और साथ ही इसके अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें सेल्फी कैमरा है जो 8 MP है, तो ठीक ठाक है प्राइस रेंज पे। फिंगरप्रिंट फेस लॉक दोनों दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्री करते हैं। गेस्चर मोड कर लेते हैं, ये फंटच OS के साथ आता है, तो ये चालू हो रहा है दोस्तों, लोडिंग हो रहा है, ये चालू हो गया। ये शुरू में इसमें ब्लॉट वगैरह देखने को मिल गए हैं, ये जो बी ऐप स्टोर होता है जो वीवो की तरफ से दिया गया है, तो इसमें ये साथ में ही आता है। बाकी इसमें और भी ऐप काफ़ी सारे आ जाते हैं फालतू के, इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ईजिली अनइंस्टॉल हो जाते हैं, ये देखो अनइंस्टॉल हो जाते हैं। ऑन पे इसमें LSE दिया गया, नेटफ्लिक्स दिया गया, स्नैपचैट दिया गया, इसको ट्रू कॉलर भी दिया गया दोस्तों, तो इनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें आपको पीछे के कैमरे की बात करूँ, मेन कैमरा की, तो ये है इसका 15 MP का सेंसर, जो मेन कैमरा सेंसर है, जो कि सोनी का सेंसर दिया गया है इसमें। और ये इसका 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, तो ये तो कोई काम का नहीं है इतना, लेकिन जो 50 MP 50 MP ये अच्छा वर्क करता है। और ये 8 MP का दिया गया सेल्फी कैमरा, और ये नॉच डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है,
बेजल्स की बात करें दोस्तों तो ऊपर इसमें नॉच की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे ने देखने को मिलता है, नीचे की साइड भी ज़्यादा अच्छे ने देखने को मिलता है। देख सकते हैं, एक बार ब्राइटनेस बता देता हूँ इसकी। देखो नीचे की साइड भी अच्छे ने देखने को मिलता है ज़्यादा, ये काफ़ी सारे साइड में भी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें सेटिंग की बात करूँ दोस्तों तो सेटिंग में दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है 14 का, इसमें आउट ऑफ बॉक्स वो आप मैं दिखा सकता हूँ। इसमें रैम को आप 6 GB और बढ़ा सकते हो, 6 तो ऑलरेडी दिया गया है, 6 GB और बढ़ा सकते हो। बाकी इसमें डायनोसिटी का प्रोसेसर है 6300 का ऑक्टा कोर, तो प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, एंड्रॉयड 14 में वर्क कर रहा है, ये आपको दिख रहा है एंड्रॉयड 14 दिया गया है। इसके बाद इसमें 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट और देखने को मिलेगा और 3 साल का इसमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 128 GB वेरियंट है, तो ये आपको दिखा दिया दोस्तों। इसमें रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें 90 FPS का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। देख सकते हो दोस्तों, आप स्मार्ट पे स्विच कर सकते हो, आई पे स्विच कर सकते हो, आई पे 90 FPS है, और आपको दिखा देता हूँ 90 FPS दोस्तों। इसमें रिफ्रेश रेट अच्छा दिया गया है 90 FPS का, आप देख सकते हो, तो काफ़ी स्मूथ है फ़ोन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन में, आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन में, अच्छा फ़ोन है, बुरा नहीं कहेंगे फ़ोन को, क्योंकि इस प्राइस पे बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 5G देखने को मिल रहा है, FM देखने को मिल रहा है साथ में, इसमें FM रेडियो भी है, इसमें एरिया देखो, FM भी देखने को मिलता है। तो इसमें FM एक बार चालू करके देखते हैं, ये एयरफोन के बगैर चालू नहीं होता, एयरफोन लगाना पड़ता है तब तो चालू होगा, बाद में देख लेंगे इसको। तो दोस्तों इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 1080 पिक्सल की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, इसमें 30 FPS पे मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है, देख सकते हैं आप। बाकी दूसरा इसमें 720 पिक्सल भी है 30 FPS, दोनों कर सकते हो, फ्रंट से आप 1080 कर सकते हो और मेन से भी, बैक से भी 1080 कर सकते हो, दोनों सेम है। बाकी इसमें आप फोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है फोटो की, मैं और दिखा देता हूँ, देखो तो अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है फोटो की, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको इसमें मैं कवर अप्लाई करके दिखाता हूँ, इसके साथ में कवर दिया गया है, काफ़ी फिट आता है, ये देखो बिल्कुल फिट कवर देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी रहेगी कवर से बहुत अच्छी, और ये बम्प भी निकला हुआ है कवर का, तो जो कैमरा मॉड्यूल है उससे थोड़ा ऊपर है तो कैमरे पे भी स्क्रैच नहीं आएंगे, तो आप देख सकते हो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें आपको फिंगरप्रिंट लगा के दिखाता हूँ मैं, साइड में दिया है फिंगरप्रिंट, तो कैसा वर्क करता है एक बार दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है इसका। तो पेन के साथ कर लेते हैं, साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है दोस्तों, अभी लगा के दिखाता हूँ आपको, काफ़ी फास्ट काम कर रहा है लगने में। तो कभी कभी थोड़ा ऑलरेडी दिखा देता है स्कैन, मतलब जिस जगह से स्कैन हो चुका है वहाँ से ऑलरेडी स्कैन दिखा देता है, ऐसा भी होता है, ये पहली बार देख रहा हूँ इसमें ऐसा दिखता है, नहीं तो ऐसा आता नहीं है। ये लग चुका है दोस्तों फिंगर, अभी इसको लॉक करके अनलॉक करके देखते हैं, काफ़ी फास्ट है दोस्तों, देखो टैप किया अनलॉक, टैप किया अनलॉक, अनलॉक बिल्कुल काफ़ी अच्छा वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फेस लॉक, फेस अनलॉक करके दिखा देता हूँ आपको, फेस से फेस लगा के दिखा देता हूँ,
फेस लग चुका है दोस्तों। एक बार फेस से अनलॉक करते हैं, ये अनलॉक हो चुका है, तो काफ़ी फास्ट है फेस अनलॉक भी, देख सकते हैं ये अनलॉक हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है फेस अनलॉक में दोस्तों। दोस्तों आपको इसमें यूट्यूब प्ले करके दिखाता हूँ मैं, यूट्यूब में कितना HD वीडियो प्ले कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक 4K HD 8K कर देता हूँ इसको, ताकि आपको पता चल जाए कितना सपोर्ट करता है। तो 8K वीडियो ऐड आ रहा है अभी, तो दोस्तों 8K वीडियो है ये, इसका मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको कितना सपोर्ट करता है ज़्यादा ज़्यादा। तो ये 1440 पिक्सल सपोर्ट करता है दोस्तों, लास्ट इसका हाईएस्ट क्वालिटी है। दूसरा भी वीडियो देख लेता हूँ, इसके अलावा HDR सपोर्टिंग करता है, ये देखो 1440 पिक्सल में 60 FPS सपोर्ट कर देता है, HDR सपोर्टिंग करता है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, और थोड़ा साउंड सुना देता हूँ आपको। हाँ, इसमें वॉल्यूम की बात करें तो ये 150 वॉल्यूम हो जाता है, 150% वॉल्यूम हो जाता है, 100% से ज़्यादा हो जाता है। और इसमें स्पीकर इधर की साइड नहीं है, सिर्फ इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है इधर की साइड, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम सुन सकते हो इसका, ये क्वालिटी है इसकी, देख सकते हो। काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आ रही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, इस प्राइस पर काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसमें एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी आ गया है, अभी मैंने सिम लगाया तो इसमें सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देखने को मिला था मेरे को, अभी जो आज ही अपडेट किया मैंने, ये देख सकते हैं आप। इसमें काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, कैमरा का भी इम्प्रूव है, ब्लूटूथ वगैरह कैमरा दिया गया, स्टेबल क्वालिटी। तो एक सिक्योरिटी पैच तो मिल गया है, बाकी और भी मिल जाएंगे, एंड्रॉयड वर्जन भी मिल जाएगा, अपडेट एंड्रॉयड का आएगा तो। और ये 5G सपोर्ट कर रहा है, जियो कसम लगा रखा है मैंने इसमें, आप देख सकते हैं। एक बार वाईफाई बंद करता हूँ, ये देखो, और VoNR का भी आ रहा है इसमें सपोर्ट, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। और देखो 5G प्लस लग के आ रहा है VoNR, तो ये IQ का जो न्यू 9 Pro मंगवाया मैंने उसमें भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें करता है, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है इसका, देख सकते हैं आप। VoNR का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों, नो डाउट। बाकी दोस्तों इसमें और तो कुछ ऐसा है नहीं है दिखाने के लिए, तो दोस्तों इस प्राइस रेंज पे ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं इसको, नो डाउट, और डेली टू यूज़ अच्छा फ़ोन है। इसमें साथ ही इसमें आपको IP64 की रेटिंग भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।